दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हरियाणा और न्यूज़ वन हरियाणा पर एक ऐसी बड़ी खबर के साथ मैं रवि कंसल आप लोगों के सामने आया हूं और आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह की घटना अभी देखने को मिली है कुछ ही घंटों पहले, डीएसपी का मर्डर किया गया है हरियाणा में नूह में, मेवात वो इलाका है। जी हाँ, वो इलाका है जिसमें खनन माफिया पूरी तरह से छाया हुआ है और वही खनन माफिया जो किसी की भी हत्या कर देता है, निर्मम हत्या कर देता है, किसी को भी गोली मार देता है, किसी को भी अपने डंपर से कुचल देता है। ऐसी घटना सामने आई है, वो भी बड़े पुलिस अधिकारी को, डीएसपी रैंक के अधिकारी को कुचल दिया जाता है। तो हरियाणा सरकार का क्या बयान, क्या रवैया इस पर रहेगा, आइए हम आपको बताते हैं वो सारी चीज़ें, वन बाई वन करके वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। जिस तरह से हरियाणा सरकार का ये रवैया रहेगा, अभी बयानबाजी आने लगी है कि 1 करोड़ रुपया भी डीएसपी शहीद डीएसपी के परिजनों को दिया जाएगा, जिस तरह से उनकी ड्यूटी पे रहते हुए हत्या कर दी गई है। ये एक बड़ी घटना है मेवात की, आइए इस घटना से रूबरू आपको कराते हैं। बिल्कुल किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खनन माफिया द्वारा नूह में तैनात डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के मामले में हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा सरकार के मंत्रियों का कहना है, यहां तक कि गृह मंत्री का भी बयान आया है कि घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जी हां, किसी भी कीमत पर घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आया है जिसमें मृतक डीएसपी के परिजनों को 1 करोड़ रुपए के अलावा एक व्यक्ति को नौकरी देने की भी बात कही गई है। हरियाणा प्रदेश से बड़ी खबर देखिए कि डीएसपी को सरेआम खनन माफिया द्वारा कुचला गया है। जी हाँ, खनन माफिया के डंपर से एक डीएसपी को कुचला गया है। नूह की ये घटना है, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में खनन माफिया की दादागिरी साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। साहब, इस तरीके के जो है पूरे प्रदेश में, यमुनानगर में भी जो है कई बार ऐसे मामले आए हैं? नहीं, बिल्कुल किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।